आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HUL के Q1 के रिजल्ट। HUL के Q1 के रिजल्ट आ गए हैं, चेक कर लेते हैं कैसे आए हैं HUL के Q1 के रिजल्ट। तो डिविडेंड विविडेंड एज सच तो कुछ दिया हुआ सा लग नहीं रहा है, दिया होगा तो आप NSE BSE की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। ये है ऑडिटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट, हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट पर चेक करेंगे कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है। ओके, कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया है, सारे फिगर्स रुपीज इन करोड्स में आते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो रुपीज इन करोड़ में ऑडिटेड वाले हम चेक करेंगे। Q1Q बेसिस नहीं दिया है, ओके Q1Q बेसिस दिया है और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस दिया है, तो दोनों ही हम चेक करेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो 12,000 लास्ट क्वार्टर 47,000 करोड़ का था, तो काफ़ी गिरा है इनकम की अगर हम बात करें। लेकिन यही अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनकम वाई ऑन वाई रिजल्ट अच्छे आए हैं, क्यू ऑन क्यू रिजल्ट खराब आए हैं। एक्सपेंस की बात करें 9,000 36,000, तो एक्सपेंस इन लाइन रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 2,190 करोड़ का आया है, लास्ट क्वार्टर 8,000 करोड़ का था। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 1,800 का था, तो वाई ऑन वाई तो ग्रोथ आई है लेकिन क्यू ऑन क्यू काफ़ी बड़ा फॉल आता हुआ आपको देखने को मिला है। यही अगर हम EPS की बात करें तो EPS भी गिरा है, 34 से EPS सिर्फ 9 पे आ गया है, लेकिन वाई ऑन वाई EPS 8 से 9 पे चला गया है। तो वाई ऑन वाई तो हर एक कंपनी में ग्रोथ है, क्यू ऑन क्यू बहुत बड़ा डिप है। तो मेरे हिसाब से ओवरबॉट है और मेरे हिसाब से शेयर मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट कुछ भी हो रहा है, खराब रिजल्ट भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई मैं कह नहीं सकता।